नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गार्डन और ड्रीम्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने परिवारजनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी समय से एक प्रश्न आया हुआ था, बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमारी तुलसी अक्सर क्यों सूख जाती है। वैसे तो मैंने तुलसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उनकी फुल केयर के बारे में बताया है कि कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, लेकिन आज की वीडियो जो है मेन इसी ऊपर है कि भाई तुलसी के सूखने के क्या क्या कारण हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी क्यों सूख जाती है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए और साथ में जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा तुलसी का प्लांट जो है सबसे पुराना, ये समझ लीजिए कि मेरा मदर प्लांट है और इसी से कम 8 से 10 प्लांट तैयार कर लिए हैं। कुछ प्लांट मेरे देखिए पीछे रखे हुए हैं, 2-3 प्लांट ये रखे हुए हैं और कुछ मैंने रिसेंटली मैं नए बनाए हैं जो कि अभी पोली बैग में ही लगे हुए हैं। ये मैंने किसी के लिए बनाए हैं और उनको दूंगी। कुछ मेरे इधर उधर सब रखे हुए हैं, मैंने हर गमले के बीच में कुछ ना कुछ प्लांट अपनी पूरी टेरेस पर रखे हुए हैं। तो टोटल 10 से 12 प्लांट मेरे तुलसी के हैं जो कि अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे कि मेरी तुलसी साल भर हरी भरी बनी रहती है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वैसा ही करें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। वैसे तुलसी को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, आप साल में 2 बार एक मुट्ठी मुट्ठी भर भी वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला देंगे तो इसके लिए वो काफ़ी होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि तुलसी का प्लांट जो होता है तो उसमें अगर मंजरी बननी शुरू हो जाती है, वैसे मैंने अभी कल ही हटाई हैं, अगर इस तरीके से मंजरी बननी शुरू हो जाती हैं तो उसको हमें फ़ौरन हटा देना चाहिए। आप एक दिन निश्चित कर लीजिएगा, जैसे आपने संडे को तो तुलसी कई लोग नहीं तोड़ते हैं, तो आप मंडे ट्यूसडे का दिन निश्चित करिए और एक दिन आप जितनी भी मंजरी इसमें बनी होती हैं उनको तोड़ दीजिए। इस समय आपको मेरी कोई भी मंजरी नहीं दिखाई, एक है बस इसमें केवल, तो ये मंजरी जो है इसको हमें तोड़ देना होता है। और जब यदि आप मंजरी नहीं तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि तुलसी जो है अपनी सारी एनर्जी, तुलसी का पौधा अपनी सारी एनर्जी बीज लगाने में, सीड प्रोड्यूस करने में लगा देगा और आपका तुलसी का पौधा वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जितनी भी मंजरी इस पर बन रही होती है उनको हमें हटा देना होता है। तो इसको आप ज़रूर करिएगा, पहला टिप्स ये था। दूसरा टिप्स ये मैं बताऊँगी आपको कि यदि आपकी तुलसी में कोई स्टेम्स इस तरीके से सूखी हुई होती है तो उसको हमें हटा देना है। इस तरीके से हम हटा देंगे क्योंकि ये बेकार ही होती है, इसमें कोई वो नहीं है जो ये कुछ अपने इसके ऊपर पत्ते वगैरह आएंगे, तो सूखी हुई टहनियों को हमें सबको हटा देना है। समय समय पर थोड़ा सा ट्रिम भी करते रहना चाहिए। अगर हम ट्रिम करेंगे, मान लो यहाँ से हमने ट्रिम किया तो यहाँ से हमारी 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्लांट है वो गोल शेप में आ जाएगा और तुलसी हमारी बिल्कुल घनी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, सूखी डंडियों को सबको हटा देना है। और यदि आपकी तुलसी बहुत ज़्यादा सूख गई है, मेरे पास इस समय कोई सूखा हुआ प्लांट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती, तो आपको ये देखना होगा इस तरीके से खुरच कर कि हमारा प्लांट सर्वाइव करेगा या नहीं। तो आप ये स्टेम देखिए, अगर इस तरीके से सूख जाती है तो हम इस तरीके से खुरच कर देखेंगे। तो यदि हमारा स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ग्रीन स्टेम है नीचे से, यानी कि ये तुलसी हमारी सूखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी सर्वाइव कर जाएगी। तो अगर आपकी स्टेम जो है सूख रही है तो सबसे पहले उसको खुरच कर देखिए, यदि वो ग्रीन है तो आप बिल्कुल होपलेस मत होइए, आपकी तुलसी अवश्य सर्वाइव करेगी। बस आप 2-3 काम उसमें कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ आपको, तो इस तरीके से आप चेक करिएगा। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि पानी की मात्रा जो है बहुत सोच समझ कर देनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तुलसी माता को रोज़ जल चढ़ा रहे हैं, तो अगर आप रोज़ जल चढ़ाएंगे, ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे तो जड़ें गल जाएंगी, रूट रोट हो जाएगा। यदि आपका नियम है रोज़ देने का तो आप थोड़ा सा जल जो है तुलसी को चढ़ाएं डेली, ज़्यादा नहीं देना है। और विंटर्स में तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, विंटर में वैसे ही नमी होती है तो विंटर में आप 2 दिन तक पानी नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन गर्मी में यदि आपकी मिट्टी सूख जाती है तो आपको हो सकता है 1 दिन में 1 बार तो पानी देना ही चाहिए। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हम गुड़ाई करेंगे
देखिए मेरी मिट्टी इस समय थोड़ी बहुत नमी है, मैं थोड़ा पानी अभी थोड़ी देर में दूंगी इसमें, तो ये देखिएगा इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करने के बाद में आपको एक मुट्ठी भर लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लेने के बाद में उसमें आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिला देंगे, या हल्दी का पाउडर आप मिला सकते हैं। हल्दी का पाउडर जो है 2 ग्राम के करीब हल्दी उसमें मिला दीजिए, और जड़ों से थोड़ा सा दूर रह करके उसमें इस तरीके से फैला दीजिएगा वर्मी कंपोस्ट को भी और हल्दी को भी। तो इस तरीके से उसके बाद में जो आपको देना है, तो एक लिक्विड फर्टिलाइजर आता है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर, यदि आपके पास वो है तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब आप डाल के अपने तुलसी के पौधों को दे दें। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर पूर्णतः ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और कोई भी इसमें केमिकल नहीं होता है। हमें केमिकल फर्टिलाइजर से बचना चाहिए, खासकर से तुलसी है, मनी प्लांट है, इनमें हमें बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर को अवॉइड करना है, नहीं देना है। तो सीवीड फर्टिलाइजर यदि आपके पास नहीं है तो एक में फर्टिलाइजर आपको और बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी से भी हमारे तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये है चूने का पैकेट, ये आपको पान वाले की दुकान पर आसानी से मिल सकता है। तो मैं भी इकट्ठे ले आई थी और मैंने ला करके फ्रिज में रख दिए थे। तो आप ये जो है पैकेट पानी में घोल करके, पूरा पैकेट नहीं देना है, अभी मैं क्वांटिटी बताती हूँ, तो उसको पानी में घोल करके आप तुलसी को देंगे, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे पास ये खुला हुआ पैकेट पड़ा है दोस्तों, तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे देंगे। तो ये देखिएगा मैंने जो खुला हुआ पैकेट है वो ले लिया है, और इतना पानी मैंने लिया हुआ है, और मैं इसमें देखिए आपको डालकर बता रही हूँ, ये खुला हुआ है तो थोड़ा सा सूख गया है, कोई बात नहीं। तो इतना आप कम से कम इतना लें, 1 चम्मच के करीब है ये, छोटी चम्मच, ये तो बहुत बड़ा चम्मच है, छोटी चम्मच लेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे, अच्छे से इस पानी में डिजोल्व कर लेंगे। अगर जो ताज़ा होता है, जैसे कि फ्रिज में से हम निकाल कर लाएंगे, तो वो बिल्कुल घुला हुआ होता है, बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ये अभी मैं 2-3 दिन पहले टेरेस पर लाई थी, तो वहीं रखा रह गया, मैंने पौधों में डाला था, कई पौधों में, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिएगा। और अब मैं अपने तुलसी के प्लांट में इसको दे दूँगी। तो ये कैल्शियम की कमी से भी सूख जाता है तुलसी का प्लांट, तो इस तरीके से आप केयर करेंगे तो आपका प्लांट कुछ ही दिनों में हरा भरा हो जाएगा और आपको बहुत खुशी होगी। इसके अलावा यदि इसमें हमारा कोई इंसेक्ट लग जाता है, तो उसका भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको हल्दी का पानी घोल करके उससे स्प्रे करना है, हल्दी को डालना है, तो वो सब कीड़ों को दूर कर देता है। इसमें अक्सर एफिड्स और स्पाइडर माइट, मकड़ी की जो वो बीमारी इंसेक्ट होता है वो अटैक करता है, तो उससे आपको बचाना है, और समय समय पर आपको उनका स्प्रे करना है। और यदि हल्दी का स्प्रे आप नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो हल्दी ऑर्गेनिक होती है, घरों में ही मिल जाती है। तो एक दूसरी चीज़ भी आपको बता रही हूँ दोस्तों, ये भी इंसेक्ट हटाने का बहुत अच्छा उपाय है, हमारे बुजुर्ग लोग इसको प्रयोग करते थे, बड़े बूढ़े लोग अपने खेतों में अपने घरों में करते थे। तो दोस्तों ये दही का पानी है, खट्टा दही जो होता है उसको मैंने आधी 2-4 चम्मच आप समझ लीजिए, 2-4 चम्मच दही है इतने में घोल लिया था, पूरी बोतल में कुछ मैंने स्प्रे कर दिया है। तो इसको हम हर प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं, हमारे जितने भी वेजिटेबल वाले हैं प्लांट्स, फ्रूट्स हैं, पुदीना है, साग है, सबके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, कड़ी पत्ता है, तो हमारे इंसेक्ट जो है दूर भागते हैं। तो इसको हम देखिए लीफ पर इस तरीके से स्प्रे कर देंगे, स्प्रे करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कोई भी इंसेक्ट नहीं है। तो मेरे प्लांट में कोई भी इंसेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं समय समय पर इस तरीके का फर्टिलाइजर प्रयोग करती हूँ, और वो भी घर के बने हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से यदि अपनी तुलसी की केयर करेंगे तो आपका तुलसी का प्लांट भी हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, आप उन टिप्स को ध्यान रखिए और उस तरीके से अपने प्लांट की केयर करिए, तो देखेंगे आपका प्लांट भी कुछ ही दिनों में जो है हरा भरा हो जाएगा। सर्दियों में आपको कवर करके रखना होगा किसी पतली चुन्नी से, और गर्मियों में तेज़ धूप से बचाना होगा, डायरेक्ट सनलाइट में
नहीं रखना है मई जून की गर्मी में। वैसे इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिलनी जरूरी होती है, तो मेरा प्लांट जहाँ रखा हुआ है तो इसमें दोपहर में धूप आती है 2 से 3 4 बजे तक, तो 2-3 घंटे की धूप इनको मिल जाती है और मेरा प्लांट जो है अच्छे से चल रहा है। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको उपयोगी लगा होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कौन कौन इस प्रकार से अपने तुलसी के प्लांट की केयर करता है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।